आज मुझे कुछ ये बनाना था, जो मूंग की, ग्रीन मूंग की दाल होती है ना, जो बिल्कुल साबुत होती है। आज ना ये मूंग की दाल बनाई थी मैंने, लेकिन सोचा सिंपल दाल बना रही हूँ और एक तरह से डेली ब्लॉगिंग तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज का मेरा ब्लॉगिंग तो हो ही रहा है। सोचा आज आपसे ये शेयर करूँगी कि आज मेरा क्या बन रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पाई और ये फटाफट तैयार कर दी। तो जो भी सिंपल तरीके से ही मैंने उसे बनाया है, कोई ये नहीं कि बहुत स्पेशल है, और अभी भी बन रहा है। आज मुझे आपसे भिंडी शेयर करना है। मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी को मैं किस तरह से काटा है, मैंने भिंडी को इस तरह से काटा है, ये देखो आप देख रहे होगे, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ। हेल्थ के लिए सेंधा नमक हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और अब हम यही यूज़ करते हैं। दूसरा हम सॉल्ट बंद कर दिया है, और जो है टाटा नमक वगैरह जो भी है वो मैं फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के लिए मैं डाल रही हूँ। ये देखो सॉल्ट डाल दिया मैंने, थोड़ा सॉल्ट ये ज़्यादा पड़ता है तो डाल दिया। और उसके बाद मैं डालूँगी हींग, ये हींग है एसाफोरिया, मसालों के डब्बे में नहीं रखा है, वो इतना मिक्स हो जाता है। और ये है मेरे पास सब्जी मसाला भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा किंग मसाला डालूंगी, जरा सा डालूंगी किंग मसाला, बहुत ही हल्का डालूंगी। और ये गरम मसाला भी देखो, ये 1/4 है, स्मॉल स्पून है, 1/4 स्पून दोनों डाला है मैंने, ये भी 1/4, ये भी 1/4। और ये हल्दी है, ये 1 स्पून, ठीक है, इसको मसाला स्पून भी बोल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी ये वाली मिर्च, खत्म है, एक्चुअली ये रेड चिल्ली पाउडर है, क्या बोलते हैं, कश्मीरी लाल है, तो इसको डालते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तो अभी ये सिर्फ इतना ही मसाला मैं डाल रही हूँ, आपको बता दिया है, हींग है, और 1/4 मैंने गरम और किंग मसाला डाला है, किंग मसाला नहीं डालना है, वैसे सब्जी मसाला है तो बेटर। वो कुकर इतना बज रहा है, इसको क्या बंद कर देते हैं। तो ये अब हम इसको रेडी करते हैं। अब और इसमें डालना है हल्का सा बेसन। अब ये आप इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने सारा शेयर कर दिया है बढ़िया से। इसको आसान है, और कोई गेस्ट भी आ रहा हो और कोई सब्जी और ना हो, जल्दी इसको बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट काटा, हेड एंड टेक पीस से काटा, चेक भी कर लिया। और ये जो भिंडी अभी आती है ना इस सीज़न में, बहुत अच्छी होती है, और इसमें ये बहुत अच्छा बनता है। तो आप देख रहे होंगे एकदम राजस्थान स्टाइल में बनेगा। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल लेकर के इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसे हम फ्राई करते हैं ना कटलेट्स वगैरह, बिल्कुल वैसा बन जाएगा। और जब कि डीप फ्राई मैं नहीं कहूँगी, जो कटलेट वगैरह नहीं, थोड़ा सिंपल ½ mm या 1 mm का ऑयल का जो फ्लैट पैन में आप डाल दो, और हाफ फ्राई जिसे कहेंगे, हाफ फ्राई बोल दें, या कटलेट फ्राई जो नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हो, और इसको आराम से हम फ्राई कर लें। ऑयल इतना हो कि ऑयल दिखना चाहिए, हाफ फ्राई करना भी है। हाफ फ्राई का मतलब मैं वो एग वाला फ्राई नहीं बता रही हूँ, मैं हाफ फ्राई ये बता रही हूँ कि हाफ ऑयल होना चाहिए पैन में, फ्लैट पैन में इसको बनाना है, तो फ्लैट पैन में ऑयल इतना हो कि ऑयल ना साइड में दिखना चाहिए, मतलब ये फ्राई हो रहा है लेकिन डीप फ्राई नहीं हम कर रहे हैं। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, सारे लोग ऐसा करते होंगे। तो हाफ फ्राई मतलब हाफ ऑयल में इसको फ्राई करना है, ऑयल दिखना चाहिए साइड में बिल्कुल, ताकि हमें ये हो कि हाँ ऑयल है इतना कि ये फ्राई हो रहा है, लेकिन डीप फ्राई नहीं होना है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, अभी डाल, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बेसन, ये बेसन है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक्चुअली क्या है ना कि भिंडी तो कई तरीके से बनती है, रस वाली भी बनती है। ये देखो 1 स्पून, ये बिग स्पून आप देख रहे हैं, जो आपके इन कंटेनर्स में जो स्पून आता है, 1 स्पून डाला है, थोड़ा आप और डाल सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मसाले का तेज या तेज नमक खाते हैं, जीरा आपको चाहिए, जीरा पाउडर मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल था, मैं आपको तो इसलिए मैं जीरा का ही सिर्फ तड़का ही देना पड़ेगा,
क्योंकि जीरा मेरे पास अभी वो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, जीरा का पाउडर मेरे पास नहीं है, मैंने चेक कर लिया था। कभी कभी बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं तो इसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं तो वही इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अब सब्जी मसाला नहीं था मुझे, किंग मसाला मैंने 1/4 डाला, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो वो बहुत टेस्ट में गंदा हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा वो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको 1/4 डालना है। जो चीज़ नहीं है, मैं एक्चुअली ना खाना इस तरीके से नहीं बनाती कि खाना ये सारी इंग्रेडिएंट्स मेरे वही हों और वही चीज़ें हों। मैं अगर बादाम बता रही हूँ तो आपके पास नहीं है ना डालें, आप अखरोट थोड़े से हैं तो वो डालें। अखरोट का जो ग्रेवी बनता है बहुत ही डिलीशियस बनती है और मैं कई डिशेस बना चुकी हूँ, कभी शेयर करूँगी आपसे। और वो जो भी कश्मीरी लाल नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर डाल दें, कोई ये नहीं है कि जिसने जैसा बताया है वैसा ही करना है, आप ऑप्शनल हैं, आप जो भी चीज़ है इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। बेसन आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लोर डाल लें, कॉर्नफ्लोर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल है जो सही है अभी डाल दें, आपको फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ डालना चाहिए तो सूजी भी डाल सकते हैं, तो लेकिन सूजी की मात्रा 1 स्पून रखें। कॉर्नफ्लोर बराबर बनेगा, अगर जितना ये तो 2 स्पून डाला है तो वो भी आपका उतना ही पड़ेगा। तो अब हम चलो उसको रेडी करते हैं। अब इसमें मिलाएंगे हल्का सा पानी और हल्का सा ऑयल, ठीक है, हल्का सा ऑयल, रिफाइंड ले लें, बादाम ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो मैं रिफाइंड तो नहीं ले रही मेरे, क्योंकि उसको निकालना पड़ेगा। आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा सरसों का मस्टर्ड ऑयल ही डाल रही हूँ, हल्का सा, और आपके पास पका हुआ है तो वो डाल लें, क्योंकि अभी जो मैं ना खाना इस तरीके से नहीं बनाती कि खाने में वही चीज़ हो वैसे ही हो प्रॉपर हो, नहीं, मेरा खाना बहुत ही इजी एंड फास्ट बनता है, चाहे कितने भी गेस्ट आ जाए मेरा खाना इजी एंड क्विक, इजी फास्ट जो आप कह लो, और मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ, ये नहीं सोचती ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, जैसा है जो है उसको मैं उसी हिसाब से रेडी कर लेती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने ले लिया पका हुआ, अगर कभी कभी होता है ना हम कप में साइड में निकाल के ज़्यादा ऑयल होता है तो हम रख लेते हैं, वो यूज़ कर लो आप जो हम साइड में रख देते हैं, कहीं हमसे सब्जी में ज़्यादा हो गया कहीं तो हम निकाल देते हैं, वो भी कर लो आप। बैटर है, घी भी कर सकते हो आप, बटर भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको रेडी करते हैं, इसको मैं मिक्स मिक्स करूँगी, फ़ोन है मेरे पास तो मैं मिक्स साथ में एक्चुअली आप चाहें तो स्पून यूज कर सकते हैं, वाटर थोड़ा लेना है, ये देखिए मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इतना ही हल्का सा मैंने आपके सामने वाटर लिया है, अब मैं इसको ना हाथों से नहीं करूँगी, मैं नहीं फ्रेंड्स ये देखो इसको मैं बहुत जैसे होता है ना हाथों से बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना है, इसलिए मैंने हाथों से नहीं किया और हाथ से करना भी नहीं चाहिए। ये देखो आराम से आपका ये हल्का सा, बस मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया, आपने देखा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ये देखो थोड़ा सा पलट दिया है। अब हम उसमें डालेंगे ऑयल, हम डालेंगे पैन में ऑयल। तो मैंने आपको बताया ही कि ऑयल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाफ फ्राई हो रहा है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑयल इतना हो कि ऐसा लगे कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखो मैंने डाल दिया है, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार बताऊँ जब ये तैयार होने लगता है तो इसका ऑयल एकदम साइड हो जाता है, जितनी ज़रूरत है। ये सब्जी जो है, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये जितना ग्रेस्ट करना है जितना लेना है उतना ले लेता है, बाकी तेल ऑयल जो है साइड में होता है, इस तरह से साइड में होगा। अब बाद में इसको किसी और सब्जी के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ और मैं कर लेती हूँ। अगर पैन वॉश करना है तो आप इसको किसी कप में निकाल के रख दें ठंडा होने से, कहीं किसी दूसरी सब्जी में काम आ जाएगा। मैंने इसको हल्का ही मिलाया है क्योंकि ना बहुत ज्यादा भिंडी को हम इधर उधर नहीं कर सकते। अब हम निकालेंगे इसका, इसको पहले कैप में लगा दूं,
तो ये देखो रेडी है, आप देखे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कहीं कहीं मिला नहीं है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है। एक होता है बिल्कुल ही बहुत ही तेज़ मसाले में, और राजस्थान में जो बहुत थोड़ा तेज़ मसाला थोड़ा सा और डाल दें तो ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। और एक चीज़ और एक और तरीका है इसका बनाने का, एक और तरीका है बनाने का, वो कि हमने इसको जैसे काट के बिल्कुल अलग अलग पीस में कर दिया है ना, आप अलग ना करें, इतना ही जब आप इसको काट रहे हो ऐसे करके, ये देखिए ये एक पीस है, ये अलग किया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों को मैंने अलग कर दिया है, आप देख रहे होंगे ये दोनों को मैंने जैसे अलग कर दिया है काट के, तो काट के इसको ये मैंने मुझे इस तरह से बनाना था, ये फास्ट इजी क्विक है। और वो क्या है उसमें, क्या है काट रहे हो तो काटते काटते लास्ट का एंड छोड़ देना है 1 सेंटीमीटर, काटा नहीं है पूरा। अब बीच में यही वाला मसाले को हम एक बाउल में रख के और उसको पाउडर को भर दें, या पानी में मिक्स किया हुआ मसाला है तो उसको उसके बीच में भरते भरते जाएं और हल्का सा ऊपर स्प्रेड करके, एक वो तरीका है बनने का, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है उस समय टाइम लगता है। मुझे ये इजी एंड क्विक रेसिपी बनानी है। अब हम ये डाल रहे हैं तड़का, आप देख रहे हो जीरा और मस्टर्ड है, आपकी मर्जी है, तो कोई मैंने बताया कि ये इजी जो आपके पास अवेलेबल है, ये भी बैठना है कि ये नहीं है ये नहीं है। अब मैं इसको डाल दूंगी, अब हम इसको डाल दें, उसके पहले मैं फोन रखना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं आपको पहले डालते हुए दिखा दूँ, और मैं इसको ज़्यादा चलाऊंगी नहीं, फ्लैट कर दूंगी बस, आप देखिए इसलिए तो फ्लैट फ्लैट कर दिया मैंने। आप डालते जाएं और इसको नीचे जगह बनाते रहें और इसकी आँच को थोड़ा तेज रखें, क्योंकि अभी ये छोड़ेगा पानी, ये देखिए। और जो स्पून में लगा है मैं इसमें डाल दूँगी, ये इस तरीके से बनाऊंगी। और ये वो ये दूसरे तरीके, यही वाले मसाले को पानी में मिला करके हल्का आप पूरा, ये जो भिंडी है पूरी ना काटें, ये जैसे पूरी कटेंगे ना पूरी में काटते, आप चाहें तो बीच बीच में मसाला लगा सकते हैं भिंडी के बीच में, ये भी बहुत अच्छा तरीका है ये है। अब मैं आप जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको एक बार जरूर इसको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आपको तरीके से दिखा दूं। अब मैं सारा मिला के मैं ये जो बचा है इसको डाल दूंगी, तो फोन रखना होगा मुझे, अच्छे से जो बचा है वो अच्छे से मैं हल्का सा मिक्स करूंगी, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ज़्यादा जोर से चलाना। जो मसाले हमने डाले हैं आप चाहें तो छोटे से बाउल में अलग लाइन सूखा भी रख के बीच में लगा सकते हैं और उसको तेल में छोड़ते जाएँ, जैसे पकौड़े छोड़ते हैं, और कोई ऊपर से मैं कुछ नहीं डालूंगी, जब वो पकने लग जाए तो हल्का सा। और आप और भी तरीके से बनाएंगे तो भिंडी कई तरीके से बन सकती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप चाहें तो जब आप तेल में उसको पकौड़े की तरह छोड़ दें, जो हाफ कटा हुआ है, पूरा नहीं कटा है, ये तो पूरा कटा हुआ है मसाला, बीच में डालें और पकौड़ों की तरह छोड़ते रहें जैसे भजिया बनाते हैं, और ऑयल इतनी ही देनी है जितना मैंने दिया, और फटाफट छोड़ते रहें। और आप चाहें तो उसे लंबी लंबी प्याज और टमाटर उतारने के, मतलब गैस ऑफ करने के 5 मिनट पहले डाल दें, 10-15 सेकेंड पहले भी डाल देंगे ना तो भी बहुत अच्छा बनेगा, वो अलग ही अंदाज है, एकदम होटल स्टाइल में रहेगा। ऊपर ऊपर पतला पतला भी घेर दें, प्याज अनियन पतले पतले और टमाटर, वो भी एक बहुत अच्छा रेसिपी है, भिंडी की ही रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं बाकी बचा हुआ फटाफट डाल देती हूँ, और इस तरह से एक बार और पलटना है, ये अभी मैंने डाल दिया, मैं इसको बिल्कुल नहीं हिलाऊँगी, बिल्कुल भी मैंने इसको इधर उधर करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको मिला के इसको डाल दूँगी और थोड़ी जगह बनाते रहें आप ना, इसको कैसे थोड़ी जगह बनाते रहें, ये देखिए ऑयल अच्छे रहना चाहिए, और ये ऑयल बाद में काम आ जाएगा, तो यूज़ आ जाएगा, फेंकना नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको उसको एंड में एक बार कर दूँगी क्या कैसा बना है, आप ही ट्राई करना, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप अपने कमेंट जरूर शेयर करें, और एक बार ट्राई जरूर करें। जो दो तरीके मैंने बताए हैं, एक तो यही है, दूसरा और भी है, और सब कुछ वही समान है, बस अनियन और टमाटो ऊपर से डालने हैं, तो एक तरीका और भी है, मैं चाहूँ तो इसमें भी डाल सकते हैं ऊपर से अनियन, लेकिन मुझे अभी डालना नहीं है, तो प्लीज़ ट्राई जरूर करना। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, स्वीट सॉस भिंडी की रेसिपी, बाय ऑल।
फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। दूसरे वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। और आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लग रहा है? मैं एक्चुअली डेली ब्लॉग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्टरनेट डेज करने की कोशिश कर रही हूँ। लव यू है, बाय। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आपको छोटा सा लुक दिखा दूँ। और राइस है, चपाती है और भिंडी मेरा रेडी है। देखो, मैंने आपको दिखा दिया। इसको ढकना नहीं है, अगर आप ढक देंगे तो इसका जो कलर है ना, ग्रीन एंड रेड येलो, ये एकदम हट जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। एकदम होटल स्टाइल में तैयार होता है। आप चाहे तो पतले लंबे लंबे ऑनियन और टमाटो ऊपर से डाल सकते हैं और हल्के 5 सेकेंड के लिए ढक सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, मेरा वो दाल रेडी है। इसकी रेसिपी मैं कभी और शेयर करूँगी। इसमें अनियन, टमाटर और गार्लिक, ये देखो गार्लिक बड़ा सा, और ये भी रेडी है। लंच मेरा रेडी है। चलिए आइए मेरे साथ लंच करने, मेरे फैमिली के साथ। तो फैमिली के लिए आज मैंने यही बनाया है, ग्रीन वाली दाल, और झटपट एक लंच है ये। जब आजकल हम बिजी हैं तो इससे अच्छा लंच और क्या हो सकता है। टेस्टी भी है। और ये देखिए, गार्लिक मैंने ऐसे डाला है। इजी ब्रेकफास्ट लंच तैयार है मेरा। और इजी आज भिंडी रेसिपी तैयार है। ओके फ्रेंड्स, आपने अभी आज, मैंने कहा था आपको मैं ज़रूर एक बार दिखाऊंगी, वीडियो लंबा ना हो। तो बस इतना ही आज के लिए, वीडियो यही एंड करती हूँ। मैंने इसको तेज आँच पे रखा है, आप देख रहे होंगे, फुल पे रखा है। और अब चाहे तो आप इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब आप पलट दें तो इसको कम कर दें, सिम कर दें या मीडियम कर दें, वहीं रहें चक्कर दें या कम कर दें। अब आपका भिंडी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। दूसरे से दो बार बस पलटना, एक बार मैंने पलट दिया आपके सामने और एक बार और लास्ट में, बस उसके बाद बंद। और ये कलर आपका जाना नहीं चाहिए।